आई होप आपको असाइनमेंट कम्प्लीट करने में मजा आया होगा अगर आपने वन फोर्थ असाइनमेंट भी कम्प्लीट किया है इट मींस यू हैव डन अ ग्रेट जॉब तो इस वीडियो में आई विल वॉक यू थ्रू द कोर्स सोल्यूशन फर्स्ट ये चार एच टी फाइल्स हैं इंडेक्स डॉट एच टी डैशबोर्ड डॉट एच टी प्रॉपर्टी डॉट एच टी और प्रॉपर्टी लिस्ट डॉट एच टी जिसमें से इंडेक्स डॉट एच टी और डैशबोर्ड डॉट एच टी आपको ऑलरेडी एज अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट दी गई थी तो चलिए हम इंडेक्स डॉट एच टी से स्टार्ट करते हैं जो इस वेब एप्लीकेशन का होम पेज है हम इस कोड को सेगमेंट्स में पढ़ेंगे क्योंकि इसे लाइन बाय लाइन पढ़ने में काफी टाइम लगेगा अब कोड को देखने के दो तरीके हैं एक तरीका है कोड एडिटर के थ्रू और दूसरा तरीका है इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू हमें ट्राई करना चाहिए कि कोड को समझने के लिए हम हमेशा इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज करें क्योंकि इससे हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को क्लिक करके उनका कॉरेस्पॉन्डिंग कोड समझ सकते हैं अभी के लिए हम इसे कोड एडिटर में देखेंगे और बाद में हम इंस्पेक्ट एलिमेंट को यूज करेंगे

ये स्टार्स आइकन्स हैं जिन्हें आप फॉन्ट ऑसम सी फाइल से यूज कर सकते हैं फिर हमने गूगल फॉन्ट्स वेबसाइट से कुछ फॉन्ट्स को ऐड किया है यहां पर हमने ओपन सेंस को डिफरेंट वेट्स के साथ ऐड किया है ये तीनों सीएसएस फाइल्स आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है फिर हमारे पास दो कस्टम सी फाइल्स हैं कॉमन डॉट सी और होम डॉट सी कॉमन सी फाइल में हमने स्टाइल प्रॉपर्टीज एड की हैं जो सारे वेब पेजेस के लिए कॉमन है और नेक्स्ट फाइल जो होम डॉट सी फाइल है वो वेब पेज के लिए स्पेसिफिक है कोड का यह पार्ट हेडिंग के लिए रिस्पांसिबल है यह एक स्टिकी टॉप हेडिंग है जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहां पर जो पे क्लिक करने पर हमेंगर बटन, बटन के लिए है जो तब आता है जब हम उस रिस्पॉन्सिव पार्ट पर पहुंच जाते हैं चलिए मैं आपको इसे ब्राउजर में दिखाता हूं तो इसे कहते हैं जो तब नहीं दिख रहा था जब हम वेबसाइट को लैपटॉप या कंप्यूटर पर देख रहे थे ये सिर्फ तभी अपीयर होगा जब हम वेब एप्लीकेशन को मोबाइल में ओपन करेंगे फिर हमारे पास एक जेनेरिकार है जिसे आप बूट में देख सकते हैं यह साइन अप और लॉग इन मॉडल्स के लिए है अगर आप इन आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो यह रेस्पेक्टिव मॉडल्स को ओपन कर देगा इसकी अभी नीड नहीं है तो आप इसे अभी इग्नोर कर सकते हैं नेक्स्ट कोड का ये पार्ट वेब एप्लीकेशन के सेंटर पार्ट के लिए है यहां पर एक हेडिंग है और फिर ये फॉर्म है जो अभी कुछ नहीं करता है अब बैनर कंटेनर में बैकग्राउंड इमेज है जो अभी फिक्स है हम इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज करके चेक करेंगे यही रीजन है कि जब हम वेब पेज को स्क्रोल करेंगे तो इमेज की पोजिशन चेंज नहीं होगी अगर हम इस फिक्स प्रॉपर्टी को रिमूव कर दें तो आप देखेंगे कि पेज करते वक्त इमेज भी मूव करेगी नेक्स्ट हमारे पास पेज कंटेनर सेक्शन है जिसमें मेजर सिटीज की हेडिंग्स और उनसे एसोसिएटेड कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास ये डिवीजन क्लास रो है जिसमें ये चार कॉलम्स हैं और हर एक कॉलम एक सिटी को डिनोट कर रहा है हर सिटी के पास एक एंकर टैग है जो यूजर को उस सिटी के प्रॉपर्टी डिटेल पेज पर ले जाएगा ऑल्सो यहाँ पर आप नोटिस करिए हमने कॉल हाइफन एमडी यूज किया है जिसका मतलब है कि बिलो एमडी हर एक कॉलम कम्प्लीट रो लेगा चलिए मैं आपको अपना स्क्रीन साइज कम करके दिखाता हूँ ये हमने इसलिए किया है क्योंकि मोबाइल में इन चारों आइकन को सिंगल रो में अकोमोडेट करना मुश्किल है सिमिलरली आप इस कंटेनर के कॉरस्पॉन्डिंग सी कोड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस जिसे हमने डिस्कस नहीं किया है ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है जो आपको बूट स्ट्रैप कोड में मिल जाएगी इसे यूज करके हम ऐसे राउंडेड कॉर्नर्स बना सकते हैं नेक्स्ट हमारे कोड में आता है मॉडल साइन अप कोड और उसके बाद हमारे पास लॉग इन का मॉडल कोड है और लास्ट में हमारे पास फोटर का कोड है वेल दैट वॉज ऑल अबाउट द कोड फॉर द होम पेज दैट इज इंडेक्स डॉट एच नेक्स्ट हम डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल पेज को डिस्कस करेंगे प्लीज नोट करिए कि प्रॉपर्टी लिस्ट और प्रॉपर्टी डिटेल वेब पेजेस का कोड हम इस ट्रेनिंग के एट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे तब तक आप इंस्पेक्ट एलिमेंट को यूज करके खुद से कोड को रिव्यू कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं तो चलिए अब नेक्स्ट वेब पेज पर आते हैं जब यूजर लॉग करेगा तब वो डैशबोर्ड पेज को व्यू कर पाएगा क्योंकि आपने अभी पी नहीं पढ़ा है तो आप कोड करने के बाद इस वेब पेज को ये यू आर एल एच टी टीपी कोलन फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश वन टू सेवन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन फॉरवर्ड स्लैश पीजी लाइफ फॉर्वर्ड स्लैश डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल यूज करके एक्सेस कर सकते हैं सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट अगेन अगर आप टॉप पर देखेंगे तो हेड टैग में पहली लाइन मीडिया क्वेरीज के लिए है फिर हमारे पास बहुत सारी सी एस एस फाइल्स हैं यहाँ पर हमने डैशबोर्ड डॉट सी एस एस को इस पेज के लिए ही बनाया है नेक्स्ट हमारे पास स्टिकी टाइप हेडर के लिए कोड है जिसका मतलब है कि अगर हम वेब पेज स्क्रोल करेंगे तो हेडर अपनी जगह पर ही रहेगा ये सेम वही कोड है जो हमने होम पेज के लिए डिस्कस किया था नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेड क्रम अगर आप वेब पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो ये एक ब्रेड क्रम है चलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड को देखते हैं तो इस कोड को हमने सीधा बूट वेबसाइट से कॉपी किया है और नेम्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर दिया है डोंट वरी अबाउट द कॉम्प्लेक्स कोड क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टाइलिंग कोड्स को बूटस्ट्रैप वेबसाइट से कॉपी किया जाता है जिसे बाद में वेब डेवलपर्स कस्टमाइज करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में दो सेक्शंस हैं, माय प्रोफाइल पार्ट एंड द इंटरेस्टेड प्रॉपर्टीज सेक्शन चलिए इंस्पेक्ट एलिमेंट को यूज करके कोड को चेक करते हैं माय प्रोफाइल पार्ट में हमारे पास एच वन टैग है हेडिंग के लिए और फिर रिमेनिंग कंटेंट के लिए रो है जिसमें दो पार्ट्स हैं पहला है आइकन या इमेज पार्ट जो तीन यूनिट स्पेस ले रहा है और दूसरा है इंफॉर्मेशन पार्ट जो नाइन यूनिट स्पेस ले रहा है हमने यहाँ फॉन्ट ऑसम आइकन को यूज किया है और इस एडिट प्रोफाइल ऑप्शन के लिए हमने कोई फंक्शनैलिटी को एड नहीं किया है इसका मतलब है कि अगर हम एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा हमने यहाँ पर एम यूज किया है जिसका मतलब है कि बिलो एमडी ये पार्ट्स कंप्लीट रो ऑक्यूपाई करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि बिलो एम डी ये कैसा लगेगा राइट right पार्ट के लिए हमने जस्टिफाई कॉन्टेंट बिटवीन प्रॉपर्टी यूज किया है जिससे एलिमेंट्स दोनों एंड्स पे प्लेस हो जाएंगे अब चलिए इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी सेक्शन पे चलते हैं इसमें एक पेज कंटेनर है जिसमें हम पैडिंग या इंटरेस्टेड प्रॉपर्टीज के प्रॉपर्टी कार्ड्स को ऐड कर सकते हैं अगेन इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी सेक्शन के दो पार्ट हैं लेफ्ट और राइट लेफ्ट पार्ट इमेज के लिए है जो आपको इमेज फोल्डर में प्रोवाइडेड है और राइट right पार्ट में प्रॉपर्टीज की डिटेल्स है और फिर एंड में हमारे पास code है, जो बिल्कुल इंडेक्स डॉट एच डी एम एल कोड के जैसा ही है इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप ये इंश्योर करिए कि आपने सारा कोड इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज करके चेक किया हो हर प्रॉपर्टी को क्लिक करिए और देखिए कि वो कैसे यूज होती है आपको सारे पेजेस के अक्रॉस सेम चीजें मिलेंगी Up next is a module test.